होती है। सर हम पूछ ही रहे हैं सर। तो कोई बात नहीं, देखो लाइसोसोम को हम लोग दूसरा बार आई मीन दूसरा नाम इसको दिए हैं डाइजेस्टिव बैग। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है और इसमें जो केमिकल होता है वो कंटेन करता है एंजाइम, और ये एंजाइम जो होता है फूड के डाइजेस्ट में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन में। ठीक है, फूड डाइजेस्ट में हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या डाइजेस्टिव बैग। मतलब कि जैसे मान लो कि अमीबा है, ठीक है, तो अमीबा में ये प्रेजेंट होता है, तो ये न्यूक्लियस है, ये उसका। तो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है सर। तो क्लियर नहीं आ रहा है, नेटवर्क का तो इश्यू नहीं है सर। आ रहा है, आ रहा है, चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे फूड एक्चुअली अमीबा में है, फूड वैक्यूल होता है, ध्यान देना। ठीक है, इसमें है वैक्यूल बट इसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, और ये लाइसोजाइम लाइसोजोम या फिर लाइसोजोम का काम होता है मतलब कोई अमीबा फूड को इंटेक करेगा, और फूड को इंटेक करने के बाद ये इसीलिए इसको डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं। इसके अलावा फूड वैक्यूल के अंदर लाइसोजोम होता है। हाँ, उसमें फूड वैक्यूल के साथ अटैच होता है लाइसोजोम, क्योंकि ये लाइसोजोम है वो अमीबा, हाँ अमीबा पैरामीशियम में प्रेजेंट होता है, तो वहां पे तुम लाइसोजोम बोल के कुछ नहीं दिखेगा, फूड वैक्यूल दिखेगा, ताकि फूड वैक्यूल के साथ वो अटैच होता है और वो डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्ट होगा कैसे, इसमें लाइसोजोम प्रेजेंट आई मीन उसके साथ अटैच होता है। इसीलिए दूसरा क्या कि जो भी वेस्ट वगैरह है पार्टिकल है उसको ये मारने का काम करता है किसी अलग एनिमल में, किसी दूसरे एनिमल में। तो ये एक तरह का सेल के एनवायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करता है, चाहे वो फॉरेन पार्टिकल हो या फिर कोई वॉर्न सेल हो या फिर कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस हो, तो कहीं ना कहीं इसको क्लीन करने का काम करता है लाइसोजोम, इसीलिए इसको बोला जाता है पहला तो डाइजेस्टिव बैग, दूसरा ये क्लीन करता है, और तीसरा भी बोलते हैं क्यों, क्योंकि अगर मान लिया जाए इसको नहीं मिलेगा कोई फॉरेन पार्टिकल्स, तो क्या होता है कि ये खुद का जो एंजाइम है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइसोजोम का सेल मेम्ब्रेन ब्रस्ट हो गया, ब्रस्ट होने करने के बाद ये एंजाइम सब बाहर आ जाएगा, अगर इसको फॉरेन पार्टिकल या जो भी है नहीं मिल पाएगा तो ये क्या करता है, दूसरे सेल मेम्ब्रेन को जाके, दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को जाके या सेल मेम्ब्रेन को जाके ब्रेक डाउन करने लगता है। इसीलिए बोलता है कि ये खुद का फटने का भी खुद के सेल को, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है, सेल वॉल को ब्रेक करता है, जिसके कारण ये खुद से जैसे सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल या ब्रेक हो गया तो अंदर का जो भी सेल का वो बाहर आ जाएगा, वो मर जाएगा, मतलब वो उसका फंक्शनिंग खत्म। इसलिए बोलता है कि ये खुद से सुसाइड अटैक बोलते हैं। तो वीडियो रुक रुक के चल रहा है, वीडियो रुक रुक के आ रहा है, नेट तो अभी नहीं खत्म हुआ है जी मेरा। ठीक है अभी अभी ठीक है वीडियो सर, वीडियो रुक गया सर। ठीक है, वीडियो रुक गया है, नेट तो मेरा जल्दी खत्म नहीं हुआ। रुको, फिर से कनेक्ट होते हैं, देखते हैं वो, रुको है? ठीक है, सबसे फर्स्ट में टिश्यू, ठीक है, तो सबसे पहला इस टर्म को देने वाला जो है टर्म्ड गिवन बाय बाइचेट, ठीक है, बाइचेट एक्सेंडर थे जो इस टर्म को दिए थे। ठीक है, दूसरा स्टडी ऑफ टिश्यू के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू है क्या, तो हम लोग क्या देखते हैं, इट इज अ ग्रुप सेल, ग्रुप ऑफ सेल। क्या ये सही है, नहीं,
ग्रुप ऑफ सेल जो है हम ऐसा कभी भी नहीं बोल सकते। नॉर्मल हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज अ कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल। सिमिलर टाइप क्यों बोले, क्योंकि अगर मान लिया जाए सेल का स्ट्रक्चर है सर्कल, अगर पूरा सर्कल ही एक साथ मिलता है तभी वो टिश्यू बन, ठीक है। हम लोग आगे जो टाइप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा ये टिश्यू। अब मान लो एक सर्कल शेप का है, एक तुम्हारा स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक पिलर शेप है, और ये सब को एक साथ अगर जोड़ देंगे तो कभी भी, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल हम लिख रहे हैं सिमिलर टाइप ऑफ सेल, तो उसका स्ट्रक्चर तो सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, ओरिजिन भी सेम होना चाहिए, ओरिजिन सेम, ठीक है। ओरिजिन सेम कहने का मतलब है कि सपोज दैट, ओरिजिन सेम कहने का क्या मतलब, सपोज दैट हमारे बॉडी में बहुत सारा पार्ट है जो सेल बनाता है, 1 2 3 4, हम ये चार पार्ट ले लिए कि इससे भी सेल बनता, इससे भी सेल बनता, इससे भी सेल बनता, इससे भी बनता। मान लिया जाए कि जो टिश्यू में सेल ग्रुप में आया है, ये पूरा ग्रुप ऑफ सेल अगर एक ही ओरिजिन से निकलता है तो हम उसको टिश्यू बोलेंगे। अब ऐसा नहीं कि कुछ सेल यहाँ से निकला, कुछ सेल यहाँ का आ गया, कुछ सेल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल कॉमा ओरिजिन, कहने का मतलब जो सेल का ओरिजिन है वो सेम होगा, ठीक है। एंड मेंटेन, एंड मेंटेन पर्टिकुलर फंक्शन, या फिर पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो इसको पूरा डिफाइन हो गया कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल विच हैव सेम ओरिजिन, विच हैव सेम ओरिजिन लिख सकते हो, एंड मेंटेन पर्टिकुलर फंक्शन। कहने का मतलब समझो कि सेल टिश्यू के लिए जो ग्रुप ऑफ सेल बन रहा है, उस ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए, उसका ओरिजिन जो वहां डेवलप कर रहा है जहां से वो आ रहा है वो सेम होना चाहिए, और तीसरा चीज है कि वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन को मेंटेन करता हो, ठीक है। मेनली टिश्यू क्यों डेवलप हुआ, एक और सवाल आता है कि आखिर टिश्यू डेवलप हुआ क्यों। मान लिया सेल है तो मल्टी सेलर भी रह सकते थे, काम हो सकता था, ठीक है। लेकिन ध्यान देना कि जब तक टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसके पहले जो भी ऑर्गेनिज्म है वो लोअर ऑर्गेनिज्म कहलाता है, वो हायर में नहीं आ सकता है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स फंक्शन मेंटेन करना होता है एक साथ, और वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन कोई पर्टिकुलर सेल या ग्रुप ऑफ सेल मेंटेन नहीं कर सकता है। तो वो ग्रुप ऑफ सेल जो होता है अल्टीमेटली टिश्यू में कन्वर्ट होता है, जिसके कारण टिश्यू में जैसा ही डेवलप हुआ तो सेल का जो वर्कलोड है घट जाता है। इसलिए बोलता है टिश्यू जो एक लेवल ऑफ डिवीजन करता है। सपोज दैट मान लिया जाए तुम लोग को कोई एक पर्टिकुलर, तुम लोग में जो भी अभी जितने भी स्टूडेंट हो साथ में, तुम लोग दो ग्रुप में अगर मान लो बांट दिया जाए और उस दोनों ग्रुप को एक काम दे दिया जाएगा। मान लिया जाए एक ग्रुप में, ग्रुप ए में 5 जन है और ग्रुप बी में 4 जन है, ठीक है। तो अब दोनों को जब एक ग्रुप में हो तो कोई भी काम मिल जाए, काम बहुत अच्छे से होता है, टाइम कम होगा, अच्छा से काम करेगा, प्रॉपरली फंक्शनिंग होता है। अब मान लिया जाए कोई एक पर्सन को एक पूरा काम दे दिया जाए, तो सोचो कि उसका टाइम खराब हो सकता है, काम सही से नहीं करता, उसका वर्कलोड घट जाएगा, एफिशिएंसी वगैरह सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन कोई भी काम को जब एक से ज्यादा आदमी करता है, सबसे पहला काम का जो टाइमिंग होता है वो घट जाता है, और दूसरा जो फंक्शनिंग प्रॉपर होता है वो अच्छे से हो पाता है, क्योंकि 4-5 आदमी मिलके कोई एक काम कर रहा है। सेम काम है बॉडी में, सेम काम है टिश्यू का, कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन को ये मेंटेन कर लेता है, क्योंकि एक फंक्शन को कोई एक सेल अगर मेंटेन करेगा तो उसका वर्कलोड काफी बढ़ जाएगा और उस तरह से वो फंक्शनिंग कर नहीं सकता है, और टाइम भी लग जाएगा, और जिससे कि प्रॉब्लम होगा। हम लोगों में मान लो सेल से ही हम लोग बने, सिर्फ सेल से बहुत सारा सेल हम लोग में होता, कोई भी फंक्शन प्रॉपर में नहीं कर सकते, लेट होता सब चीज में, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि एक तरह का
एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं कि वर्कलोड घटाने के साथ साथ में एक तरह का हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो लेवर ऑफ डिवीजन है वो काम आया इसका। तो टिश्यू का मेन काम क्या था कि कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को मेंटेन करना जिसके कारण कोई भी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन हो पाए, ठीक है। तो यही है तुम्हारा टिश्यू। समझ में आया कोई दिक्कत? बोलो यहां तक समझने में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? इसको नोट करो जल्दी से। नोट करो, हो जाएगा तो बोलना। हो गया ना। चलो समझ में आया किसी को दिक्कत यहाँ तक? किसको सेल बोलते हैं समझ, सॉरी किसको टिश्यू बोलते हैं या किस पर्पस से? समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो उसके फंक्शन के हिसाब से टिश्यू को जो है दो पार्ट में बांटा गया, उसके फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ मेनली हम लोग फंक्शन ही जान रहे हैं। फंक्शन के हिसाब से टिश्यू को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट का नाम है प्लांट टिश्यू और एक पार्ट का नाम होता है एनिमल टिश्यू। समझ में आया? अब प्लांट टिश्यू जो होता है इसको फिर दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। हम लोग इधर पढ़ते हैं प्लांट, पढ़ते हैं एनिमल अभी बाद में पढ़ेंगे प्लांट खत्म होने के बाद, ठीक है। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले आता है मेरिस्टमैटिक टिश्यू आता है सबसे पहले, और दूसरा आ जाता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब मेरिस्टमैटिक भी क्या है तो इसके फंक्शन के इसको तीन पार्ट में बांटा है। तो जो पहला पार्ट है, ठीक है, वो है एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, दूसरा हो जाता है लैटरल मेरिस्टमैटिक, क्या हो जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। और परमानेंट में अगर आते हैं तो परमानेंट में भी दो है, एक है सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सॉरी सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब सिंपल में भी डिवीजन तो खैर बहुत है, डिवीजन है तो इसमें है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। स्पेलिंग नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में फिर दो आ जाएगा, एक आता है जाइलम और एक आता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम में भी टाइप है, इसको नोट करो। हम लोग आज प्लांट टिश्यू का मैथमेटिक टिश्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो गया सर, बुक में परमानेंट टिश्यू का तीन बुक पढ़ दिया है। कौन कौन सा भाई? प्रोटेक्टिव, अच्छा प्रोटेक्टिव भी है उसमें, बट वो लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ठीक है, प्रोटेक्टिव अगर दिया है अलग से तो हम उसको लिख ही देते सर। कंडक्टिंग भी दिया है तो प्रोटेक्टिव है।
प्रोटेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो एक होगा तुम्हारा एपिडर्मिस और एक होगा स्टोमाटा, एक होगा स्टोमाटा, है ना, ये होगा। सपोर्टिंग टिश्यू भी दिया है, सपोर्टिंग टिश्यू वो एनिमल का है जी, सर दिया है सर। क्या कंडक्टिंग में दिया, नाम अलग अलग होगा, होगा अलग नाम होगा, बट नॉर्मल तो यही है। सपोर्टिंग टिश्यू का जो है क्या है बता ना, कोई बात नहीं बता सर, कंडक्टिंग सपोर्टिंग टिश्यू का, देखो कॉम्प्लेक्स को ही कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं हम लोग, हम बोले ना नाम कुछ अलग होगा, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे तो बताते जाएंगे किसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स में कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, प्रोडक्टिव टिश्यू है, बट वो तो हम लोग परमानेंट में ही पढ़ते थे। चलो कोई बात नहीं, परमानेंट का ही ये सिंपल में आता है, तो प्रोडक्टिव टिश्यू उसके फंक्शन के हिसाब से नाम दे दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है, तो प्रोडक्टिव स्टोमाटा, नोट हो गया सारा, कर लिए नोट, यस सर, हो गया ना, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट में, एनिमल का हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे, देखो सबसे फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ध्यान देना कि मेरिस्टेमेटिक में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम वैसे टिश्यू को बोलेंगे जिसका सेल जो होता है वो ऑलवेज डिवाइड करता है, ठीक है। सेल हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी, सेल के पास क्या है, डिवाइडिंग कैपेसिटी है। तो वैसे टिश्यू को, टिश्यू में क्या था देखना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ के पे क्या देख रहे हैं कि वैसा सेल, वैसा टिश्यू जिसका सेल ऑलवेज डिवाइड करता हो, मतलब सेल हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी, अगर सेल के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है तो वैसे टिश्यू को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो हम क्या है, सेल हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको नोट भी करते जाना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में हम लिख रहे हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव द capacity of active cell division। हम क्या बताएं कि इसका जो, इस टिश्यू का जो सेल होगा वो ऑलवेज डिवाइड करते हुए मिलेगा, ठीक है। दिस टिश्यू इज फाउंड इन ऑल ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल, ये ध्यान देना। देखो
सबसे फर्स्ट में, क्योंकि प्लांट सेल के देखो इस मैसमेटिक टिश्यू में हम जो बता रहे जो डिफिनेशन है वो समझ में आ गया। दूसरा हम लिखे ऑल ग्रोइंग पार्ट, तो जितना भी ग्रोइंग पार्ट होता है उसमें मैसमेटिक टिश्यू है, जो तीन टाइप हम लिखवाए थे वो लोकेशन के हिसाब से फंक्शन के हिसाब से उसका दिया गया है, इसीलिए उसका नाम लिखा गया है। तो जब वो ग्रोइंग पार्ट में प्रेजेंट होगा तो इससे ये पता चलता है कि प्लांट जो है वो ऑलवेज ग्रोथ करते रहता है। इसीलिए प्लांट के केस में बोला जाता है कि प्लांट एक ऐसा स्पीसीज है जो थ्रू आउट लाइफ जो है अपना वो ग्रोथ करते रहेगा। क्यों ग्रोथ करेगा? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, ये भी है, नंबर ऑफ सेल का डिवीजन जो वो सब बंद हो जाता है, मतलब ग्रोथ का जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन प्लांट के केस में करते रहता है, तुम ऐसे वहां का पार्ट का जो वहां का जो पार्ट है वहां का जो टिश्यू वो डिवाइडिंग है, और अगर वो डिवाइडिंग है तो मेरिस्टेमेटिक है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां रहेगा वहां ग्रोथ होगा ही होगा, इसलिए ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो प्लांट प्लांट पार्ट सच एज कहां कहां पे ज्यादा होता है सच एज रूट, हाँ सर आप बोले कि एक्टिव सेल डिवीजन है होता है, डिवाइड करता है, हाँ तो सर मतलब ग्रोथ कैसे होता है डिवाइड करता है, ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होता है बताओ, ग्रोथ का डेफिनेशन क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, ये नॉर्मल एक स्टैंडर्ड मतलब डेफिनेशन है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इंक्रीज इन नंबर, तो जहां सेल का डिवीजन है वहां तो सेल का नंबर इंक्रीज करेगा ही करेगा। अब मास की जहां तक बात है, हम जैसे एक एग्जांपल प्लांट के बारे में बताते हैं, प्लांट में क्या होता है, मान लो कोई ब्रांच टूट जाता है सूख के, वहां पे फिर से आ जाता है ब्रांच ना, तो वो तो अपना साइज हाइट सब बढ़ाता है, तो ग्रोथ हुआ ना, इसलिए ग्रोइंग पार्ट बोलते हैं, क्योंकि ये जहां जहां पे प्रेजेंट होगा ये ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके फंक्शन के हिसाब से, इसके लोकेशन के हिसाब से इसको देखा गया, ठीक है। वही चीज तो नॉर्मल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो प्लांट में सच एज रूट स्टेम एंड लीफ, ठीक है, रूट स्टेम एंड लीफ। नॉर्मली क्या होता है, तो सच अगर हम लोग एग्जैक्ट बात करें तो रूट टिप्स में प्रेजेंट है एंड शूट टिप्स में प्रेजेंट होता है, ये दो जगह तो ऑलमोस्ट ये प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है, शूट टिप, समझे। अब देखो ये हो गया मैथमेटिक, अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि दे आर लिविंग सेल, लिविंग सेल होता है, एंड आर वेरी एक्टिव, एंड आर वेरी एक्टिव, ठीक है। दूसरा they have cellulosic cell wall, मतलब cell wall जो बना होता है वो cellulosic होता है। तीसरा है they have dense granular cytoplasm, ठीक है। तीसरा characteristics है कि they have large and prominent nucleus, and prominent nucleus, ठीक है। ये उसके सेल का characteristic है, कहने का मतलब मेसमेटिक टिश्यू का characteristic है, ठीक है, ये है। और एक है ऊपर वाला, सेकंड पॉइंट क्या लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक दे हैव सेलोजिक सेलू लॉजिक CELULOSIC सेलोलॉजिक, ठीक है। और इसका जो
आई मीन इसमें जो सेल के बीचों बीच में जो स्पेस होगा वो एब्सेंट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं दे हैव कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट अर सेलुलर स्पेस। देखो जैसे हम इंटर सेलुलर क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल हो गया तुम्हारा, और देखो ये स्पेस दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। तो ये जो होता है वो वो इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है, जिसके कारण ये यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ भरा हुआ होगा, जिसके कारण ये कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, वही लिखा हुआ है दे हैव कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू में स्पेस प्रेजेंट होता है बट इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये है तुम्हारा, नीचे का नोट कर लिए। अब हम लोग आगे हैं, टाइप्स ऑफ मैथमेटिक टिश्यू देखेंगे। टॉपिक दो, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहां पर ध्यान देना, तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन इन द प्लांट बॉडी it is divided into three types, ठीक है। तो पहला जो है वो है एपिकल, पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको, बोलो। यस सर। ये देखो, इट इज फाउंड इन एपिकल पार्ट ऑफ रूट एंड स्टेम। देखो हम क्या, पहला एपिकल का मतलब होता है सबसे ऊपर, जैसे मान लिया जाए हम ये एक स्टेम का स्ट्रक्चर बताते हैं तो इस पार्ट में प्रेजेंट होगा, या रूट का बताते हैं तो ये एपिकल पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर में, सबसे आगे में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला ये एपिकल पार्ट में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका फंक्शन है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एपिकल मेरिस्टेम्स, the stems and roots increase in length, yes, ठीक है। इसको नोट करो, नोट हो जाएगा तो बताओ। यस सर, हो गया। अब दूसरा है,
दूसरा जो पार्ट है वो लैटरल है, ये सब में कुछ है नहीं ज्यादा समझने का। लैटरल का मतलब होता है साइड वाइज, ठीक है। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ध्यान रखना कि जो प्लांट साइड वाइज ग्रोथ करता है, ठीक है। अब कैसे समझो, जैसे मान लो ये स्टेम है, ठीक है, इसका धीरे धीरे गर्थ बढ़ता है ना जी, हम लोग बोलते हैं एकदम मोटापा धीरे। जैसे मान लो कोई आम का पेड़, ठीक है, तो आम का पेड़ का देखना स्टेम रीजन बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि वो एकदम स्टेम का रीजन बहुत चौड़ा हो गया, आई मीन उसका गर्थ बढ़ जाता है। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने के कारण उसका गर्थ, या फिर हम लोग बोलते हैं उसका वाइडनेस जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, आई मीन थिकनेस भी बोल सकते हैं, थिकनेस बढ़ता है। तो ये मेनली स्टेम में भी प्रेजेंट है, क्योंकि स्टेम रूट दोनों में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ब्रांचिंग वगैरह भी तुम देखो, किसी भी पेड़ का ब्रांच देखो, वो भी धीरे धीरे पहले पतला डाली होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होता है। तो स्टेम का रीजन देखो, पतला होता है फिर धीरे धीरे मोटा होता है। एक तरह का प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये प्लांट में दो टाइप का ग्रोथ होता है, ये दोनों ग्रोथ करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो लैटरल का मतलब है साइड वाइज, मतलब साइड वाइज जो ग्रोथ करता है वहां पे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हेल्प से करता है। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कहां प्रेजेंट होगा, इट इज फाउंड प्रेजेंट इन साइड वाइज इन प्लांट बॉडी, ठीक है। बताइए दूसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर increase in diameter, increase in diameter of plant root and stem, इसको बोलते हैं गर्थ, ठीक है। दूसरा, this tissue also responsible for growth in thickness by the addition of secondary tissue, and this phenomenon is called is called secondary growth. हो जाएगा तो बताना।
हो गया? अरे बोलो। हेलो। यस सर, यस सर। अरे बोलो बोलो, कहाँ तुम आया इतना लेट? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो टिश्यू है इंटर कैलरी। तो इंटर कैलरी जो होता है वो नोड में प्रेजेंट होता है। इंटर कैलरी जो होता है वो नोड पे प्रेजेंट होता है। और नोड पे प्रेजेंट होने का क्या बेनिफिट समझे, जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। तो एक्चुअली में नोड किसको बोलते हैं, तो जिस पार्ट से ब्रांचिंग निकल रहा है, ये चलो एक ब्रांच यहाँ, एक ब्रांच यहाँ, फिर यहाँ से लीव, ठीक है, फिर यहाँ से लीव। तो लीव्स एंड जो ब्रांचिंग जहां से निकलता है उसको हम नोड बोलते हैं। तो ये इंटर कैलरी मेसमेरिक टिश्यू वही प्रेजेंट है जहां पे ब्रांच डेवलप करेगा, या हम एक तरह से बोल सकते हैं कि इंटर कैलरी जहां प्रेजेंट होगा वहां से ब्रांचिंग होगा, ठीक है। आई मीन ब्रांच जो डेवलप करता है वो ग्रोथ करके वो होता है, ठीक है। तो ये इसमें इट इज प्रेजेंट इन इन नोड्स, इट इज प्रेजेंट इन नोड्स, ठीक है। दूसरा इट हेल्प इन द इंटर कैलरी, मतलब क्या होता? बोले तो इंटर कैलरी, इंटर कैलोरी का मतलब कि एक मेसमेरिक टिश्यू का टाइप है, बताया तो पोजीशन, पहले हम लिखा चुके कि पोजीशन के हिसाब से इसको तीन टाइप में बांटा गया। तो ये वहां प्रेजेंट होगा जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, और एपेक्स में भी प्रेजेंट होता है और ब्रांचिंग जहां से स्टार्ट। जैसे मान लो हम छोटा सा मान लो प्लांट लगाते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे जब मान लो बड़ा, इधर ब्रांच निकला, इधर निकला, इधर निकला, इससे निकला, ये जो ब्रांचिंग डेवलप करता है वही है इंटर कैलरी, ठीक है। नोट्स हम लिखे प्रेजेंट इन नोट्स। दूसरा है इट हेल्प इन इलॉन्गेशन ऑफ द ऑर्गन एंड इट प्रेजेंट mostly at the base of node, हम पहले भी ये चीज लिख चुके हैं, nodes, internodes and leaves, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो नीचे में तुम लिख दिए, ठीक है, यही है, इसको नोट करो। हो गया। अब हम लोग का जो नेक्स्ट, हाँ अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है परमानेंट। ये मेरिस्टमेटिक पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो परमानेंट को समझो क्या होता है, क्योंकि इंटर कैलरी लैटरल एपिकल जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू का टाइप होता है, यही जब, क्योंकि मेरिस्टमेटिक टिश्यू में हम क्या लिखा है कि एक ऐसा टिश्यू जिसका सेल ऑलवेज डिवाइड करता। तो मान लिया जाए मेसमेरिक टिश्यू का जो सेल डिवाइड कर रहा हो और वो इलोंगेट होगा, बढ़ रहा है, तो अब मेसमेरिक टिश्यू का कभी ना कभी तो उसका सेल है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो खत्म होगा वो परमानेंट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि परमानेंट टिश्यू वही टिश्यू है, वो एक तरह का मेसमेरिक टिश्यू है, लेकिन मेसमेरिक टिश्यू का जो, जिस मेसमेरिक टिश्यू का सेल का डिवीजन डिवाइडिंग कैपेसिटी स्टॉप हो गया, आई मीन नहीं रहता है कैपेसिटी, वही परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है।
हम एक तरह से बोल सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसके सेल का डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या है, स्टॉप हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और उसका तो खैर फिर दो टाइप बताए, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। तो टॉपिक दो, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सबसे पहला पार्ट, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल इन विच ग्रोथ हैज आइदर स्टॉप्ड कंप्लीटली और फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, ये चीज है, हम पहले बता चुके कि इसमें जो सेल होगा उसका डिवाइडिंग कैपेसिटी या ग्रोथ का जो कैपेसिटी है वो स्टॉप्ड कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, दूसरा, दीज सेल्स may be alive or dead। ठीक है, these cells may be thin or thick walled। ठीक है, it is formed by the growth of meristematic tissue। ठीक है, इसको नोट करो। नोट कर लो। यस, नो सर। हो गया, नोट कर लिए? नो सर। ठीक, आगे मिटाते हैं सर। नहीं सर, अच्छा कर लो। हो गया अब? यस सर। हो गया, अब मिटा रहे। ठीक है, आखिर का जो पॉइंट है वो लिखोगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ अ इंट शेप परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड
डिफरेंशिएशन ठीक है, परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू ठीक है। ये ऑन द ये अलग पॉइंट हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख दो, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड इट इज ऑफ इट इज ऑफ टू टाइप्स ठीक है, जिसमें पहला हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स लिखो क्योंकि सबका अलग अलग है, तो पहला जो है वो है सिंपल परमानेंट ठीक है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट, तीसरा तुम लोग लिख सकते हो प्रोटेक्टिव परमानेंट। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ही हम लोग दूसरा नाम लिखते हैं कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू या सपोर्टिंग टिश्यू ही होता है ठीक है। यही है तुम्हारा टाइप्स वगैरह, तो आज जो है इतना रहने दो क्योंकि सिंपल टिश्यू नेक्स्ट क्लास, सिंपल परमानेंट टिश्यू नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसका जो तीन टाइप लिखा है उसका क्या होता है नहीं होता है क्योंकि आज स्टार्ट होगा तो खत्म नहीं हो पाएगा ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू इसको करके रखना ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्योंकि तुम्हारा जो है वो मैथमेटिक्स कंप्लीट, परमानेंट है थोड़ा लेंदी है, सिंपल में भी तीन पढ़ना, कॉम्प्लेक्स में दो है, प्रोडक्टिव में भी फिर दो है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे ही ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, ये पूरा इंट्रोडक्शन जो भी था परमानेंट का खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास सिंपल परमानेंट इशू ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम किसी को कुछ समझना है फिर से या वैसा कुछ, या प्रीवियस चैप्टर से कुछ समझना है या पूछना है तो पूछ सकते हो। सर बोलो सर, मेरिस्टमैटिक टिश्यू में जो सेल्स होता है उसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है क्या? हाँ क्यों नहीं होगा, प्लांट सेल के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट होता है अगर वो लाइव है तो, अगर डेड है तो नहीं होगा कुछ, क्यों नहीं प्रेजेंट होगा मेरिस्टमैटिक, तब ना वो इतना जल्दी ग्रोथ करता है। और कुछ नोट कर लिए? यस सर। और कुछ पूछना है बताओ। यस सर। ठीक है फिर तब नेक्स्ट क्लास फिर, और जहां तक पढ़ाए पढ़ना, तुम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह बनाए थे सेल का जो बताए थे, मतलब आई मीन बोले थे कि बना के रखना, क्वेश्चन आंसर कर रहे हो? क्वेश्चन आंसर करो तब ना पता चलेगा क्या बन रहा नहीं बन रहा, कहां हमको नहीं समझ में आया तब ना तुम लोग का क्लियर होगा, ऐसे थ्योरी पढ़ने से थोड़े ना कुछ हो जाएगा। सर चैप्टर वन से कोई डाउट है सर? हाँ बोलो, डाउट है तो बोलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनेल एंड ऑर्गेनेल्स? डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनेल्स एंड
organ and organelles. नहीं सुना दिया. Organelles and organs. Yes sir. Organs. देखो organelles जो क्या है वो बहुत ही बोल सकते हैं कि मतलब वो सेल एक पर्टिकुलर सेल का पार्ट होता है और ऑर्गन जो होता है ना वो बहुत सारा सेल मिलके बनता है. एक ऑर्गन जो है एक ऑर्गन कोई मतलब एक से ज्यादा फंक्शन को कंट्रोल कर सकता है बट एक जो सेल ऑर्गनेल्स होता है वो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को मेंटेन करेगा. बस यही है. ठीक है ये दो डिफरेंस है. देखो ऑर्गेनेल क्या हो गया जैसे मतलब सेल है उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऑर्गेनेल है. माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या हो गया कि उसका एनर्जी रिलीजिंग करना. अब ऑर्गन की बात करते हैं मान लो हम लोग के बॉडी में लीवर है तो लीवर का एक काम होता है कि वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर जाता है. अब ऑर्गन कैसे बनता है जैसे मान लो सेल है तो सेल ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बना ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनता है. तो ये देखो कितना लंबा प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है बट सेल ऑर्गेनेल्स एक बहुत छोटा पार्ट है जो सेल इनसाइड सेल आई मीन हम लोग बोल सकते हैं सेल के इनसाइड में प्रेजेंट होता है. ठीक है तो कोई उसका पर्टिकुलर फंक्शन है. अब ऑर्गन है तो उसका फिर अलग अलग फंक्शन बहुत सारा हो सकता है एक से ज्यादा फंक्शन को मेंटेन कर सकता है तरह से होता है. ठीक है और बोलो सर सेंट्रोसोम है सेंट्रोसोम ऐसा माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल्स होता है. माइक्रोस्कोप छोटा ही प्रेजेंट है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है. एक्चुअली देखो सेल डिवीजन में क्या होता है जैसे मान लो ये सेल है तो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है क्रोमोसोम इस तरह से क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. तो जब तक क्रोमोसोम डिवाइड नहीं करेगा तब तक क्या होता है सेल का डिवीजन नहीं हो सकता है. तो मान लो ये एक क्रोमोसोम है और इसके बीच में तो ये इसको ऊपर खींचेगा ना कोई थ्रेड तो ये जो थ्रेड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल और इसके बिना हो नहीं सकता है. तो सेंट्रोसोम जो होता है स्पिंडल का ही फॉर्मेशन में हेल्प करता है इसलिए बोलते हैं सेल डिवीजन में हेल्प करता है. दूसरा क्या है कि सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है. कहीं कहीं सेंट्रोसोम का जगह सेंट्रोल लिखा रहता है. तो सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर में ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं. तो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल एक ही चीज है. ठीक है मतलब है चीज अलग बट फंक्शन अलग है. पर ध्यान रखना कि सेंट्रोसोम के अंदर में सेंट्रियोल होता है. बस यही सेंट्रियोल का भी फंक्शन पूछेगा था स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोसोम का फाइबर. ठीक है फॉर्मेशन में करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ठीक है और बताओ सर. सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है कि वो लिपिड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है लिपिड एमिनोस्टेरॉइड्स बोलते हैं एक तरह का फैट मॉलिक्यूल बनाता है बस. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मोन भी बना सकता है क्योंकि वो फैट स्टेरॉइड अगर वो बना रहा लिपिड बना तो लिपिड हार्मोन भी होता है. ठीक है तो हार्मोन बना सकता है. ठीक है और बहुत सारे केमिकल है जो कि तुम्हारा मैकेनिज्म में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. तो मेनली अगर पूछता है कि एसीआर का क्या काम है तो ये लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. तो लिपिड एक तरह का फैट है. और कुछ